बात करते हैं यूपी के रायबरेली की, जहां रायबरेली में बाइक सवार दो बदमाशों ने घर से पढ़ने जा रही आईटीआई छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। उसका चेहरा तो बाल बाल बच गया, लेकिन तेजाब से गर्दन समेत शरीर का अन्य हिस्सा काफी झुलस गया है। युवती के शोरगुल पर आसपास के लोग जब तक मौके पर पहुंचे तो बदमाश मौके से भाग निकले। रायबरेली जिले के उचहार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में साइकिल से कोचिंग जा रही एक छात्रा के ऊपर बाइक सवार नक्काबपोश युवकों ने तेजाब फेंक दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से झुलस गई। तेजाब फेंकने के बाद बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गए। वहीं आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उसे सीएससी पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं युवती के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्या हुआ, कौन है आपके? मेरी दादा की लड़की है। क्या हुआ इनके साथ? इनके ऊपर तेजाब डाला गया है। कौन लोग थे, कहां जा रही थी ये? सर ये नहीं मालूम है मुझे। ये कहाँ जा रही थी? जा रही थी, कोचिंग जा रही थी। कहाँ पढ़ती हैं? उचहार में। क्या हुआ है, कहाँ पे आए हुए हैं? ये आए हुए बहन को लेकर के, उसके ऊपर तेजाब से हमला हुआ है। कहाँ पे हुआ है भैया? कैथोल में हुआ है, कोचिंग पढ़ने जा रही थी और रास्ते में कैथोल के पास मोटरसाइकिल सवार लोग आए, उनके गमछा बांधे, मेरे चश्मा लगाए हुए, सफेद कलर की गाड़ी थी उनकी। कितने लोग थे? लगभग दो लोग थे। क्या पहले भी परेशान करते थे? नहीं, पहले भी बात नहीं थी, आए और तेजाब से मतलब पीछे तेजाब डाल दिए। यहाँ कहाँ कहाँ पे छींटे पड़े उसके? पेट में है, गले में है, पीठ में है। काहे की तैयारी कर रही थी, कहाँ पे पढ़ती थी? उसका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो गया था। कॉम्पिटिशन? जी ऊँचा आ रही थी। शिकायत आपने की है? किस तरह से घायल है, क्या हुआ? एक छात्रा हमारे पास आई हुई है, इसे बर्न की छात्रा है वो, और उसको ऑलमोस्ट 30% बर्न उसको है, नेक पे है और चेस्ट में उसको बर्न आया है। उसको हमने एडमिट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन कर दिया है और सर्जन कर लिया। क्या बताया गया किस चीज़ का है, एसिड क्या है? अभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि एसिड का ही बर्न है, बाकी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भी हमने सर कॉल कर दिया है, वो आकर देखें फिर बताएंगे। अब क्या स्थिति है? ठीक है, अभी तो स्टेबल है पेशेंट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आज गठबंधन पार्टी के उम्मीदवार सुखदेव वर्मा ने नहर कॉलोनी में एक जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन कराने पहुंचे। आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच चौकीदार चोर है नारे लगाए गए। वहीं लोगों के साथ साथ दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर देखने को मिली। 28 मार्च को मेरठ में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए कुख्यात बदमाश बद्दो के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते चार लोगों को जेल भेज दिया है। मामले में अब तक कुल 16 लोग जेल जा चुके हैं। वहीं पुलिस बदमाश बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित कर चुकी है। 18 दिन बीत जाने पर भी पुलिस बद्दो को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई है। MFAC अभी सूचना मिली है और लोगों के बयान जो अंकित किए गए हैं उनके आधार पर जो इन्फॉर्मेशन है जो पुलिस अपनी ओर से बताना चाहती है वो ये है कि होटल मुकुट महल से बदन सिंह बद्दो एक मिक्की सरदार और एक अन्य व्यक्ति के साथ एक व्हीकल के अंदर जानी रोड पकड़ते हुए और NH-58 का सहारा लेते हुए मेरठ में साकेत तक गए और साकेत में वहाँ पर जाकर जो एक लेडी थी जिनको पुराने से जानता था उनसे उसने कुछ हेल्प ली। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम भानु प्रताप है उसके घर पर ये लोग पहुँचे। वहाँ पर जाकर उसकी कार का प्रयोग करते हुए भानु प्रताप के द्वारा उसको दिल्ली छोड़ दिया गया, दिल्ली में लाजपत नगर क्षेत्र में। तो ये बात पुलिस की ओर से भी बताई जानी है। सर ये भी बताया गया कि सर ये जो बद्दो था रास्ते में भानु के पास पहुँचने से पहले भी कहीं गया, वहाँ सर क्या एक्टिविटीज़ की रही, क्यों किस मकसद से गया? देखिए भानु प्रताप के घर जाने से पहले वह अपनी एक जो लेडी जो उनके नोन थी उनके घर पर गया और उनसे उसने कुछ हेल्प ली, कुछ उनका कुछ सैलून का बिजनेस था
तो उनसे कुछ हेल्प उसने ली और उसके बाद फिर वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हुआ। चेहरा भी सर उसने बदलने की कोशिश की अपना? अभी इस बारे में पुलिस पहचान कर रही है। सर कितने लोग उसमें जेल जा चुके हैं और कितने लोग और रडार पर अभी? देखिए करीबन 9 लोग प्रथम चरण में जेल चले गए थे, 3 लोगों ने सरेंडर कर दिया और 4 लोग अभी पुलिस ने और भेजे हैं, तो ये रफली 16 लोग अभी हो चुके हैं। और अभी जैसे जैसे जिन जिन लोगों का नाम सामने आता जा रहा है पुलिस उसको आपके समक्ष अवगत कराएगी। जो सर बेटा है मदन सिंह बद्दो का, उसकी क्या भूमिका थी इस पूरे मामले में? देखिए बेटा रेगुलर कांटेक्ट में था, जो ड्राइवर था और बाकी जो अन्य लोग हैं उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में था, किस किस तरीके से योजना को अंजाम दिया जाना था वो रेगुलर उसको पता लग रहा था, कब मदन सिंह बद्दो होटल मुकुट महल से निकला, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई। बात भी हुई है सर? हाँ इस तरह की बात भी। थैंक यू। हरिद्वार अग्निशमन विभाग ने आज पेंटागन मॉल के कर्मचारियों को अग्निशमन सप्ताह की जानकारी दी और बताया आग लगने की स्थिति में कैसे बचा जा सकता है। हर साल 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें निर्देश हैं और हमारे यहाँ अग्निशमन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है फायर सर्विस के लिए, ऑल इंडिया में ही मनाया जाता है, तो उसके ही सापेक्ष में हम लोग और उसमें दिन बदे हैं, शेड्यूल है कि कब क्या करना है, कहाँ जा कर के लोगों को जन जागरूकता का अभियान है ये और कैसे जागरूक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फायर की बेसिक जानकारियाँ कि अगर कहीं कोई इंसिडेंट होता है तो आप कैसे उसको कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, हमारे आने से पहले किस तरह उसको कवर किया जाए, तो उसके बारे में हम लोग जानकारियाँ देते हैं। और ये एक पूरा आपने कहाँ कहाँ पर जागरूक किया लोगों को? अभी जैसे हम लोग कल स्कूलों का था तो हमारे क्षेत्र में, वैसे ये तो नहीं कहना है, तो स्कूल में हम लोग गए थे और बच्चों को बताया और वहाँ टीचर्स थे जैसे उनको बताया। आज का दूसरा दिन है, वैसे तो तीसरा दिन है क्योंकि फर्स्ट दिन तो रैली निकलती है और दूसरे दिन हम लोग स्कूल में गए थे, आज तीसरा दिन है, तो आज ये बैंक और होटल्स मॉल इनका था। यूपी के मुरादाबाद देहात की बात करते हैं जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से दो पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा था जिसकी शिकायत दोनों पक्षों ने उच्च अधिकारियों से की थी, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। क्या मामला है ये? हमारी यहाँ पे मेरी माता जी के नाम में 5.5 बीघे है जमीन है और ये जो हमारे विपक्ष वाले लोग हैं इनके और हमारे बीच में एक सरकारी चक्रोट है, इन्होंने सरकारी चक्रोट पे कब्जा कर रखा है। आप कितनी आपके पास? और हमारे पास इस समय वर्तमान में 4.5 बीघे जमीन है और इनके पास 11 बीघे जमीन है। कितनी कम है? कितनी कम है? लगभग 1-1.5 बीघा जमीन कम है अंदाजन। सर क्या मामला है यहाँ पर? ये सूचना आई थी, एक इवेंट आया था कि जो है जगह को लेकर नी खुद रही है, उस पर विवाद हो रहा है, उस पर सूचना पे आए थे हम। अब क्या हुआ यहाँ पर? थाना पुलिस आई? हाँ लोकल पुलिस आ गई, अपने दोनों को पेपर मंगाने के लिए कह गया, थाने बुलाने बुलाया गया, अपने जो भी होगा अपने दिखाए, अपने अपने पेपर दिखाए, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। मुरादाबाद देहात के मोढ़ा पांडे क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी के चलते किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। गेहूं की फसल खेतों में पककर तैयार है, आज सुबह से ही बूंदाबांदी के चलते किसानों के चेहरों पर उदासी सी छा गई है। मास्टर है, दलपतपुर का रहने वाला हूँ। अच्छी बारिश हो रही है इस तो गेहूं में क्या असर पड़ेगा? इसमें बहुत फर्क पड़ेगा, किसी को पानी की जरूरत है तो किसी को सूखे की जरूरत है, फसल बर्बाद हो गई है, सरकार से परेशानी है, कहीं खाद नहीं मिलता, 1400 रुपये का कट्टा मिल गया है डाई का, कोई चीज़ भी किसान के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती जब जरूरत होती है, डीडल है, डीडल ऊंचा चला जा रहा है, कभी 80 को मिलता है तो कभी 75 को मिलता है, कोई चीज़ भी ढंग की नहीं है, किसान तो बर्बाद हो गया है इस सरकार में। अच्छा मौसम ख़राब है, इसके बारे में क्या? बस ये तो अल्लाह की मर्जी है, उसका हुक्म की बातें हैं साहब, ये तो अब मौसम के बारे में तो कोई रोक ही नहीं सकता। कितने परसेंट नुकसान होगा गेहूँ में? मेरे ख्याल से 40% नुकसान होगा इस टाइम गेहूँ की फसल में। जी गेहूँ की फसल में।